चरण के चुनाव को लेकर लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का कल वोटिंग होने जा रही है। मतदान केंद्रों पर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो करीब 18,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर 13 मई को मतदान है। 74 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। 1,63,70,654 मतदाता मतदान करेंगे, तो पिछले 3 चरणों में 21 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अब बाकी 8 सीटों पर कल मतदान हो जाएगा। तो यानी कि मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें तो अंतिम चरण का ये चुनाव है, बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव। दोनों दलों को लेकर अगर बात करें, बीजेपी कांग्रेस, तो पूरी तैयारियां यहां पर कर ली गई थी और भरपूर प्रचार प्रसार इन सीटों पर किया है। कल मतदान होना है, लेकिन मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मी रवाना हो चुके हैं, सभी मतदान सामग्री के साथ पहुंच चुके हैं। तो चौथे चरण का ये रण है, उज्जैन, मंदसौर, देवास, ये काफ़ी महत्वपूर्ण, खास करके 8 सीटें जो कि मालवा निमाड़ की आती हैं। करीब 18,000 मतदान केंद्र इन 8 सीटों पर बनाए गए हैं। 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होगा, जिसमें मध्य प्रदेश की 21 सीटों पर वोटिंग अब तक तो पूरी हो चुकी है और कल 8 सीटों पर चौथे चरण में और होगी, जिसमें 74 उम्मीदवार मैदान में हैं और उसके बाद मध्य प्रदेश का चुनाव लगभग संपन्न हो जाएगा। तो देखिए, अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर सोमवार को मतदान होने जा रहा है और 74 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होगा। ये तस्वीरें देखिए, देवास, शाजापुर, इंदौर, मंदसौर, बुरहानपुर की, जहां पर मतदान कर्मी अब मतपेटियों के साथ, मतदान सामग्री के साथ केंद्रों के लिए रवाना हुए हैं। मतदान केंद्रों के लिए रवानगी सबकी हो चुकी है, बसें सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए, इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है सुबह से ही जो तमाम मतदान कर्मी थे, वो मतदान कर्मियों ने अपना अपना सामान लिया, अपनी अपनी सामग्री लेकर वो मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो 8 सीटों पर सोमवार को मतदान होना है, कल सुबह से ही वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 18,000 मतदान केंद्र कल 8 सीटों के लिए बनाए गए हैं। और चलिए, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील सिंह बघेल मंदसौर में मौजूद हैं। सुनील जी, मंदसौर में अगर देखा जाए तो किस तरह की वहाँ तैयारियाँ हैं, खास करके पहले बात कर लेते हैं जिस तरह से आज जो तमाम वहाँ पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ पर भी टीमें पहुँच चुकी हैं मतदान संपन्न कराने के लिए, लेकिन अगर राजनीतिक लिहाज से बात करें, रणनीतिक लिहाज से बात करें तो किस तरह का माहौल है, वो माहौल भी हम आपसे जानेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि करीब 8 सीटों पर 18,000 केंद्र बनाए गए हैं, 21 सीटों पर वोटिंग अब तक पूरी हो चुकी है और उसके अलावा आप बता दें कि 8 सीटें जो बची हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मालवा निमाड़ का ये क्षेत्र है, लेकिन बीजेपी को लेकर अगर बात करें तो यहाँ पर काफ़ी मजबूती के साथ नज़र आ रही है, खास करके इस पूरे क्षेत्र में बीजेपी का विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन रहा था, तो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में यही वजह है कि बीजेपी यहां मजबूत नजर आ रही है। चलिए, सुनील सिंह बघेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील सर, किस तरह का वहां माहौल है और किस तरह की फाइट देखी जा सकती है और विधानसभा चुनावों में जो नतीजे रहे वो कितना प्रभाव यहां पर देखने को मिलेगा? देखिए, विधानसभा चुनाव में तो नतीजे एक तरफा रहे, भाजपा के पक्ष में रहे 2 सीटों को छोड़कर के, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि इसके पहले कि मैं थोड़ी सी सियासी बात करूं, मैं अपने दर्शकों को, बहुत सारे दर्शक जो मंदसौर से अनजान हो, विशेष करके हमारे छत्तीसगढ़ के या बिंध या महाकौशल क्षेत्र के दर्शक जो मंदसौर के बारे में कम जानते हो, तो बता दूं कि मंदसौर 2-3 कारणों से बड़े फेमस है। एक तो रावण की ससुराल थी, इसलिए यहाँ रावण दहन नहीं होता है। और आपने पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में सुना होगा काठमांडू, वैसे ही कई सैकड़ों साल पुरानी पशुपतिनाथ मंदिर की, पशुपतिनाथ भगवान का अकेलौता मंदिर, इकलौता मंदिर फिर यहाँ मंदसौर में ही है। और जिनको ठग्स ऑफ हिंदुस्तान याद होगी,
उस किताब के लेखक ने मंदसौर के आसपास उस जमाने में जो ठग मशहूर थे उनके बारे में बड़ी लंबी चौड़ी किताब लिखी है। तो मैं अब अपने सियासी गणित पर आता हूँ। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? और आप पूछेंगे कि ये गाना क्यों, तो ये गाना इसलिए बड़ा जोर शोरों पर है कि इसको एक शिवराज सिंह जी ने हवा दी। दरअसल यहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो मंदसौर क्षेत्र के ना होकर के नागदा क्षेत्र से हैं। हालांकि उन्हें कमजोर नहीं आका जा सकता, गुर्जर समाज से आते हैं और 4 बार कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं दिलीप गुर्जर जी और सुधीर गुप्ता जी। बेशक इसके पहले भी सांसद रह चुके हैं 2 बार। तो और अब पुराना इतिहास बात करें तो अभी पिछले कुछ दशकों में 2009 में मीनाक्षी नटराजन ने यहां से जीत दर्ज कराई थी। उसके पहले काफी लंबे समय तक लक्ष्मी नारायण पांडे यहां से कई सालों तक यहां से लोकसभा का और एक तरह से वो अपराजेय योद्धा थे। तो भाजपा का बड़ा अपना एक यहाँ पर एक वजूद है। और लेकिन एक और बड़ी मशहूर चीज़ मैं बता दूं कि जो मंदसौर है वो अफीम की खेती के लिए जाना जाता है और नशे का एक बड़ा केंद्र रहा है। बेशक कि जो वैध खेती होती है उसके बावजूद डोडा चूरा और इन दिनों पान मसाले में मिलाए जाने वाला MD का बड़ा केंद्र है मंदसौर। और यहाँ जो नशे के कारोबारी हैं यहाँ की राजनीति में एक अच्छा खासा दखल रखते हैं। हालांकि चुनाव में किसका नशा सर चढ़ करके बोलेगा इसका सही पता तो 4 जून को ही चल सकेगा। लेकिन फिलहाल मैं बता दूं सब जगह यहाँ पे राजस्थान की सीमाएं कई जिलों से लगती हैं, तो सीमाएं सारी सील कर दी गई हैं और मतदान खत्म होने तक ये सारी सीमाएं सील रहेंगी। जी चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील जी। तो निश्चित तौर पर मंदसौर का आपने हाल समझा, मंदसौर का सियासी गणित भी समझा कि आखिर किस तरह की वहाँ परिस्थितियाँ बनेंगी। लेकिन कल मतदान होना है और लगातार जिस तरह से मतदान के बाद 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि कौन वहाँ पर भारी नजर आया है। तो